आपको अपनी जिंदगी का सबसे बुरे दिन का ब्लॉग, जो कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। आगे रोड खत्म, सब कुछ खत्म, ऐसा बियाबान जंगल। तो यार देखो कैसा सुनसान जंगल पड़ा हुआ है, कहीं दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। भाई गलत आ गया मैं, बहुत गलत आ गया, पछतावा हो रहा, तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। तो ये बंद हो गया क्या रोड अभी? अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 24 आवर्स। तो भाई हमारा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी, चार दिन हो गए समथिंग, आज एक भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी वजह ब्लॉग ना आने की, कैमरा भाई मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को अच्छी क्वालिटी दूँ ब्लॉग में, क्योंकि हम इतने दूर दूर प्लेसेस जाते हैं भाई घूमने, और मैं आपको क्वालिटी नहीं दे पाता हूँ तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए मैं कैमरा ऑर्डर कर दिया है, तो तकरीबन अभी 1 वीक लगेगा कैमरा आने में, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग भी आएगा हमारा नियम से भाई, और प्रॉपर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, अच्छी बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम इतने दूर प्लेसेस जाते हैं और आपको हम क्वालिटी ना दे पाएं तो भाई कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरे दिन का ब्लॉग, जो कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था भाई। मैं बाल बाल बचाऊँ ऐसे जंगल से बचाऊं जहां पर इतने ज़्यादा डाकू मवाली जहां रहते हैं भाई, ऐसी जगह से बच के निकला हूं। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं वो जगह कौन सी थी। अभी फ़िलहाल में भाई मैं एक लॉन्ग टूर पर गया था, जैसा कि आपको पता है यहां से झांसी होता हुआ ग्वालियर ओरछा वगैरह सब घूमा था हमने, और फिर हम घर पर आए थे। जब हम झांसी से होते हुए ग्वालियर पहुँचे थे भाई, तो हमारे साथ हमारे खाला का लड़का भी था, तो वो ग्वालियर से ट्रेन पकड़ के कालपी के लिए निकल गया था भाई। वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन थी, तो इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती, वो मेरे साथ आते यहाँ पर, फिर यहाँ से बस वगैरह करते, क्योंकि यहाँ से ट्रेन नहीं है फिरोजाबाद से कालपी वगैरह के लिए। भाई क्या हुआ भाई, वो वहाँ से ट्रेन पकड़ के कालपी निकल गए, और मैंने ग्वालियर से अपनी बाइक उठाई और हम भी फिरोजाबाद के लिए वहाँ से निकल आए। मैंने गूगल मैप लगाया और ग्वालियर से मैं भाई निकल आया। उसके बाद जो मैप ने मुझे ऐसी जगह पहुँचा दिया, ग्वालियर से फिरोजाबाद 167 किलोमीटर है, और उस मैप ने मुझे ग्वालियर से शॉर्टकट दिखाया, फिर मुझे भाई जो मैप ने एक रास्ता दिखाई तकरीबन 30 किलोमीटर कम दिखाया मुझे रास्ता ग्वालियर से फिरोजाबाद का, तो मैंने वहां से शॉर्टकट डाल दिया, अच्छा खासा हाईवे दिखा रहा था उस पर, तो मैं निकल आया। उसके बाद जो मैं पहुंचा हूँ ना भाई, आगे की स्टोरी आप ब्लॉग में देखें, ऐसी जगह पर पहुंचा हूँ क्या ही बताऊँ आपको। आगे रोड ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ऐसा बियाबान जंगल, और मैंने उस दिन भाई 4.5 घंटे से ऊपर बाइक चलाई कंटिन्यू बिना रुके, और इतना ज़्यादा थक गया था मैं, लसपस पड़ गया था भाई। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग, आप इंजॉय करें देखें, और मेरी सबसे ज़िंदगी का बुरा दिन आप इंजॉय करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ब्लॉग ख़त्म होने के बाद, तो बने रहे हमारे साथ भाई, ब्लॉग ज़रूर देखें। तो फिलहाल में भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं ग्वालियर से, और बाइक में फ्यूल कम है तो फ्यूल अप करा लेते हैं। पेट्रोल पम्प दिख रहा है सामने, चले पेट्रोल वगैरह डलाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई धूप बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम बहुत लेट निकले हैं, सोहेल भाई को जाना था, उसकी ट्रेन 12 बजे थी, तो इस चक्कर में सोचा था सुबह 7:30 बजे निकलेंगे, लेकिन उसका प्लान बन गया जल्दी निकलने का अचानक, क्योंकि हम निकलते हैं फिर पेट्रोल वगैरह आप करवा के, यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई। भाई अभी हम लोगों ने एक कट मार लिया है, देखिए भाई क्या रोड है यार, गलत आ गए यहाँ से भाई, अच्छा खासा NH से चले जाते 30-40 किलोमीटर के चक्कर में। ओ तेरी, ओए ओए ओए, ये तो लद्दाख वाली रोड आ गए यार, ऑफ रोडिंग होने लगी यहाँ पे। भाई अभी मैं आ चुका हूँ अम्बाहा, ये कोई सिटी है बीच में पड़ती है, ये जो रोड जहाँ से मैंने टर्न लिया है भाई है तो शॉर्टकट, लेकिन बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, मैंने गलत किया टर्न लेके, NH से आता 30-40 किलोमीटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ता, लेकिन ये है मैं डायरेक्ट सीधा चला था, यहाँ भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं।
तो यार देखो कैसा सुनसान जंगल पड़ा हुआ है, कहीं दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, भाई इक्का दुक्का ही मोटरसाइकिल देखने को मिल रही थी। और यहाँ के रोड बहुत ही भाईयाद हैं, रोड यार कितने भाईयाद रोड है यहाँ के। यहाँ ऑफ रोडिंग बहुत कर रहा हूँ मैं, 4-5 बार ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ, इससे भी खतरनाक। ये तो हल्की फुल्की है, बहुत कर रहे खराब रोड है यहाँ पे। ये देखें, ये कोई नाला बम्बा वगैरह है जो कि सूख चुका है इस टाइम। ओ अल्लाह लॉर्ड ऑफ ईस्ट एंड द लॉर्ड ऑफ द वेस्ट, ओ अल्लाह या रब्बी या अल्लाह, एंड द हर्ब्स एंड द ट्रीज टू। देखिए भाई ये कौन सा रास्ता आ गया है, बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है फिलहाल में। तो उस साइड से निकलते हैं। ओ भाई गलत आ गया मैं, बहुत गलत आ गया, पछतावा हो रहा है। तो गाड़ी भी गंदी होगी और जूते भी गंदे हो गए, ये कहाँ भग रही है। फिलहाल में हम यहाँ से निकलते हैं, 1.5 किलोमीटर के बाद यहाँ से टर्न लेना है हमें। भाई अब आ गई है ऐसी सिचुएशन, देख के आप भी दंग रह जाएंगे। आगे कुछ भी नहीं बचा भाई, आगे आ गई यमुना रिवर। तो अभी आप बने रहे हमारे साथ, अब आप आगे देखें आगे का सीन कितना ख़राब हुआ मेरे साथ भाई। कहाँ आ चुके हैं, यहाँ से रोड है भी या नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं हम। ओ भाई बहुत गलत आ गए लग रहा, यहाँ पुल वुल बन रहा है। कहाँ आ गए भाई हम, तो नदी पार करनी है, कोई रोड ही नहीं है। चाचा यहाँ से फिरोजाबाद के लिए रास्ता कहाँ से है? फिरोजाबाद के लिए यहाँ से रास्ता नहीं, आप बाइक से आएंगे क्या या पैदल जाएंगे? बाइक से नहीं मिलेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से दौरपुर के उदी होते जाना पड़ेगा। धौलपुर? हाँ, वो मुरैना ही साइड से होते हुए। हाँ, यहाँ से कितने किलोमीटर है तकरीबन? यहाँ से देख लो, यहाँ से तो अम्बा 23 है। 23 किलोमीटर? 23 और 30 अम्बा से। हाँ, अम्बा से 30 मुरैना वापस उधर तो जाना पड़ेगा। हाँ, उधर वापस होकर जाना पड़ेगा। तो ये बंद हो गया क्या रोड अभी? रोड है कहाँ ना पर? अच्छा, मैप में तो दिखा रहा है यहाँ से रोड। हाँ, नेटअप तो दिखाएगा, सब चीज़ दिखाएगा तुमको नेटअप। अच्छा, हाँ उधर होके जाना पड़ेगा कि धौलपुर होके जाना पड़ेगा। अरे हाँ, तो समस्या बन गई भाई। भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी समस्या बन गई यार। मैं तो गाड़ी मोड़ूँ अपनी, उतर के मोड़ना पड़ेगी लग रहा, 60-70 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, अबे यार मतलब अब तुम रचेल से इधर मत मुड़ना, ना रचेल से तो सीधा मुरैना धौलपुर जाना है। ठीक, हाँ वो मुरैना के लिए आए ही होगे, कोई पूछना नहीं है सीधा। ठीक ठीक, वहाँ मुरैना से तो आई हूँ मैं, बस सीधा मुरैना, और मुरैना से सीधा धौलपुर। ठीक है ठीक, और धौलपुर से बिल्कुल ऐसे आओगे इधर, कोई इधर हाँ है रास्ता एक है, किसी को पूछ लेना वहाँ, बगैर पूछे मत चलना, वहाँ कुछ बेइज्जती ना होती। अरे नहीं नहीं, तभी तो पूछ लिया। हाँ पूछ लियो, राजा खेड़ा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से 7-8 मिनट में तुम। ठीक ठीक, नमस्ते अंकल। ठीक है, नमस्ते। वही फिलहाल में देखें कहाँ कहाँ घुसना पड़ रहा है। ये हम मुरैना के अंदर हैं अभी फिलहाल में, और यहाँ से धौलपुर के लिए हाईवे है आगे से बताया है लोगों ने। हमने ऐसे ही आज भटकते रहेंगे हम 2-3 दिन तक लग रहा है। ये मैप ना गूगल मैप भाई बहुत भाईयाद है, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस गूगल मैप ने भाई। ये तो रास्ते ही बंद हो गई, कहाँ गए, कहाँ आ गए हम। रास्ता है यहाँ से,
इधर से रास्ते नहीं है, धौलपुर के लिए रास्ता कहाँ से गई है? धौलपुर के लिए, धौलपुर के लिए फिर यहाँ से कहाँ जाना? यहाँ से सीधा ठीक। चलो भाई ये देखो कहाँ घुसोड़ना पड़ रहा अपनी गाड़ी को। ओ भाई ओहो अल्लाह रहम कर भाई, क्या हो गया आज भाई, हमें कहाँ जाना है पता नहीं, निकल भी पाएंगे यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हिफाजत कर। हमारा बैग पूरा भीग गया, उसमें लैपटॉप भी रखा है यार, बट चलो निकल तो आए फिलहाल, अब आगे से बस अल्लाह ताला हाईवे मिल जाए। कामयाबी मिलने से पहले प्रॉब्लम मिल रही है, जैसे हमें मिल रही है कोई बात नहीं, आज का लेकिन सफ़र यादगार सफ़र है, सारी ज़िंदगी याद रहने वाला है ये मेरा सफ़र। तो भाई फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं नेशनल हाईवे पर, और अल्लाह का शुक्र है भाई बहुत मुश्किलों से ये NH मिला है। अब हम जा रहे हैं सीधा आगरा के लिए यहाँ से, फिर आगरा से डायरेक्ट हम फिरोज़ाबाद के लिए मुड़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर, और भाई बहुत सुकून मिला है अब यहाँ से जंगल से निकल। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और भाई कैमरा आ जाएगा तो हम आपके लिए एकदम बेहतरीन क्वालिटी के ब्लॉग लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाएं हमारे चैनल को भाई, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक जरूर करें वीडियो को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। और भाई बारिश भी होने लगी है तो अपना ख्याल रखें, बाय।